पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एकता सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा आज भाजपा के नवनिर्वाचित संगठन पदाधिकारियों का सम्मान और स्वागत किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्रा, विजय लक्ष्मी पंडित महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा, अल्पना गुप्ता महानगर संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डॉक्टर विवेक गोयल महानगर संयोजक भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ, इन सभी को नए दायित्व मिलने के बाद एकता सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष दीपाली अग्रवाल के द्वारा अपने आवास पर सभी का सम्मान समारोह किया गया। इस अवसर पर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आधी आबादी को अब सम्मान दिया जा रहा है, तेजी के साथ महिलाएं राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। इस अवसर पर सभी ने बारी बारी से सभी अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं शॉल उड़ाकर भी उन्हें सम्मान दिया गया। इस अवसर पर दीपाली अग्रवाल ने बारी बारी से अल्पना रितेश गुप्ता, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर विवेक गोयल और धर्मेंद्र नाथ मिश्रा महानगर अध्यक्ष को शॉल उड़ाकर और बुके भेंट करके उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है और प्रदेश का विकास किया जा रहा है, उससे साफ है कि 2022 का लक्ष्य हम आसानी से पार कर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार पुनः 2022 में हमें बनाना है। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस सम्मान से मुझे ये पद दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और श्रीमती दीपाली अग्रवाल जी और श्री दीपक अग्रवाल जी ने मुझे अपने घर पर इस सम्मान को पाने के लिए आमंत्रित किया और मुझे इतना सम्मान दिया। साथ में मेरी बहन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी को भी सम्मान मिला और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उन सब ने भी मुझे सम्मानित किया। मैं सभी का हृदय से आभार और अभिनंदन करती हूँ और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि मैं आप सबकी इन जो चुनौतियाँ हैं, जो आशाएँ हैं, उन सब पर खरी उतरूँगी और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का आभार करती हूँ कि उन्होंने इस पद के लायक मुझे समझा। तो समस्त महानगरवासियों को और सभी मीडिया बंधु भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं विजय लक्ष्मी पंडित एक बहुत नॉर्मल मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आप सोचिए मुझे यदि ये अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें इस तरह का अगर सम्मान मिला है तो मतलब 100% मेरे लिए बहुत गौरवमयी क्षण है। यदि बात करें तो मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है और जो भी पाया है मेहनत से पाया है, तो आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि एक तरफ जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो वहाँ मुझे मेरे साथ में मेरी अल्पना भाभी हैं, अल्पना रितेश गुप्ता जी विधायक जी की मिसेज हैं, उनको भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका बनाया गया है और बहुत सारी बहनों को यहाँ पर नए नए मतलब पद मिले हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में आधी आबादी बहुत कुछ पा रही है और बहुत कुछ उत्साहित है कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। आज हम लोग यहाँ एकता सेवा समिति के उत्सव में सम्मिलित होने सभी बहनें आए हैं और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि भाइयों से ज़्यादा हमारी आधी आबादी का यहाँ पे सहयोग है, ये सबसे अच्छा लग रहा है। मैं और मेरी दीदी दोनों बहुत खुश हैं यहाँ सब महिलाओं की भागीदारी को देख के। हमारी आदरणीय दीपाली अग्रवाल भाभी जी का बहुत सहयोग मुझे हमेशा मिला है, अध्यक्ष मैं आज बनी हूँ, पहले से भी मेरे उनसे बहुत मधुर संबंध रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा सम्मान मुझे देती हैं, शायद मैं इतनी काबिल हूँ भी नहीं जितना वो मुझे सम्मान देती हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्रफुल्लित हूँ और मैं अपने संगठन के लिए बार बार इस बात का धन्यवाद दूँगी, समस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को, आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त जितने भी मेरे मतलब यहाँ शीर्ष नेतृत्व है उन सभी को हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को और अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे महानगर में हमारी महिला शक्ति को जो जो पद प्राप्त हुए हैं, जैसे हमारी अल्पना भाभी उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका बनाया है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी को महानगर अध्यक्ष बनाया है महिला मोर्चा का और हमने प्रिया अग्रवाल जी को भी बुलाया था लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाई,
और उन मातृशक्ति को आज हमने उनका सम्मान किया और उनको प्रोत्साहित किया और उनका साथ देने का हमने संकल्प लिया। तो इसी के उपलक्ष्य में ये समय हमने यादगार बनाया ताकि वो इस पल को हमेशा याद रखे और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रहकर अपना जो उनको पद मिला है वो उसका पूरा उपयोग करें और समाज की सेवा करें हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।